हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लाइक दीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरीके की खबरें हुसामी न्यूज़ लाता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अफसर खान हुसामी न्यूज़ में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का दूसरा दहा चल रहा है। जैसे जैसे हम ईद के करीब होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी मसरूफियात में भी इजाफा होता है, चाहे वो अल्लाह की इबादत के मुतालिक हो या ईद की शॉपिंग हो। पुराने शहर में हलचल बढ़ जाती है, बाज़ाब्ता नए शहर से भी कई लोग ईद की शॉपिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। इनकी सहूलत के लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस साउथ जोन की जानिब से जगह जगह फ्री पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। आइए, DCP ट्रैफिक पुलिस साउथ जोन बाबूराव साहब इस ताल्लुक से क्या कहते हैं। हैदराबाद सिटी का सारे मुसलमान भाइयों को और मेरे बहनों को रमज़ान मुबारक, और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से सबको सलाम अलैकुम। ये रमज़ान ईद का मौका पर पुराने शहर में जो भी मुसलमान भाइयों बहन लोग शॉपिंग आ रहा है, न तो टूरिस्ट आ रहा है, सबके लिए हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस तरफ से फ्री पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। वो है खिलवत में पेंशन ऑफिस ग्राउंड, सिटी कॉलेज गने खुली कुतुब स्टेडियम और चारमीनार बस स्टैंड और मुफीद आनाम स्कूल कोटला अलीजा, ये चार जगह में ट्रैफिक फोर्स तरफ से फ्री पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। इधर कोई भी एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, और पार्किंग के लिए कोई भी लोग पैसा वसूल करे तो पुलिस की इतला दीजिए, ये कानून का जुर्म है। पार्किंग फी वसूल करने के लिए किसको भी परमिशन आज तक दिया नहीं, कोई ऐसा करे तो पुलिस को इतला दीजिए, हम उनको पर कानून तरफ से रिएक्शन ले लेंगे। और सारे लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये फ्री पार्किंग प्लेस को अच्छा आप लोग इस्तेमाल कर दीजिए, ट्रैफिक को आसान होने के लिए, पब्लिक आने जाने में आसान होने के लिए आप लोग हमारे को साथ दीजिए। रोडों पे, सड़कों पे, फुटपाथों पे गाड़ियों को पार्क मत कीजिए। जो ट्रैफिक तरफ से जो पार्किंग प्लेस दिया है उतनी पार्किंग करो, हमारे साथ दो, पूरा ट्रैफिक अच्छा आसान से जाने के लिए आप लोग मदद कीजिए। शुक्रिया।